बेटा आज हम अपना थर्ड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे डिसीजन मेकिंग का जो हमारा चल रहा था स्टडी नोट 12 का जो आपका लास्ट यूनिट जो चल रही है आज हम लेक्चर थर्ड चलाएंगे अपना। हमने डिसीजन के दो लेक्चर करे हैं पहले और उसमें मैंने आपको बहुत ऑब्जर्वेशन करवाई है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके ऑब्जर्वेशन करवाई है कि डिसीजन में एक मैनेजर का क्या रोल होता है। अल्टीमेटली एक मैनेजर के डिसीजन पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन या पूरी फर्म डिपेंड करती है कि वो कैसे वर्क करेगी। ठीक, कोई आसान काम नहीं होता कि कोई भी डिसीजन लेना, डिसीजन सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं बना जिसमें पहले से ही ये फिक्स हो कि ये 100% सही डिसीजन है, चेंज भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक, ये बात आपको क्लियर है। क्वांटिटेटिव जैसे कि बोर्ड पे लिखा है, मैं आपको 5 टेक्निक्स पढ़ानी है मुझे आपको आज के इस लेक्चर में जो आपका चलेगा कि 5 टेक्निक्स के बारे में बताना है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेक करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिसके बारे में सिलेबस में है, आपके मॉड्यूल में है, उसे डिस्कस करना है। पहला फिलहाल मैंने बहुत सिंपल है, पहला बोर्ड पे लिखा हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके अंदर एक मैनेजर, ये लीनियर प्रोग्रामिंग तब होती है जब एक मैनेजर के पास लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल होते हैं। क्या अवेलेबल होते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल है और उसी में से ही उसको एक मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त करनी है या गेट करनी है, कि उसी रिसोर्स में एक ऐसा डिसीजन बनाना है कि उतने ही एम्प्लॉयज हैं या मेरे पास इतना ही स्टाफ है, इसमें ऐसा डिसीजन लेना है कि हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिल जाए, हमारा काम परफेक्ट हो जाए, तो ऐसे प्लान करना है। तो इस टाइप के जो कंसेप्ट होते हैं इन्हें लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम दिया जाता है, एक स्पेसिफिक नाम है। दिस टेक्निक बेसिकली हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग, देखिए जी, मैक्सिमाइजिंग एंड ऑब्जेक्टिव अंडर लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर मैक्सिमम ऑब्जेक्ट जनरेट करना, मैक्सिमम ऑप्शंस बना लेना, इस टाइप की चीजों को बोलते हैं। द ऑब्जेक्टिव कैन बी आइदर ऑप्टिमाइजिंग ऑफ अ यूटिलिटी, मतलब सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी मतलब, ठीक है, अब तक की ईको पढ़ते पढ़ते आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा जो पूरा मॉड्यूल है आपका। द टेक्निक इज यूजफुल अंडर द कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी, बहुत यूजफुल टेक्निक है, आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मेरे पास इंस्टीट्यूट में लिमिटेड रिसोर्स है, 40 बच्चों की कैपेसिटी है, 15 टीचर है, एक एग्जाम्पल है, उसी में सब कुछ ऑपरेट करवाना है। ना तो मैं कैपेसिटी बढ़ा सकता हूँ, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा खड़ा कर सकता हूँ, ना ही मैं नंबर ऑफ टीचर बढ़ाकर अपने एक्सपेंस बढ़ा सकता हूँ। तो मेरे पास है लिमिटेड रिसोर्स, अब मेरे को उसी में ही मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव जनरेट करने हैं कि भैया तो बहुत ऑप्शन जनरेट करने हैं डिसीजन लेने में कि भैया अकाउंट्स की क्लास का ऐसे टाइम कर लो, उसका ऐसे कर लो, उसका ऐसे कर लो, तो तरीके से टाइम मैनेज करा, एक डिसीजन बनाया मैंने। ठीक है, कोशिश करिए कि मैक्सिमम यूटिलिटी मिल जाए, मेरे को अच्छे से ऑपरेट हो जाए, ये होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। दो पंच है इसके अंदर जिस पे ध्यान देना है, मैक्सिमाइजिंग एंड ऑब्जेक्टिव, और लिमिटेड रिसोर्स के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन बनाना और उसमें से एक अच्छे को सिलेक्ट करना, ये होता है लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक ऑफ, क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग के अंदर एक मैनेजर के लिए जो उसने लेना है। चलिए अब हम सेकंड पे चलेंगे, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे सेकंड पे। तो 5 पढ़नी है, ध्यान ध्यान से सुनना, पहला है, सेकंड बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी नाम से पकड़ में। देखिए जी, सेकंड है प्रोबेबिलिटी डिसीजन मेकिंग। प्रोबेबिलिटी का मतलब आप शायद अगर मैथ्स भी पढ़ते हो आप सीएमए में तो वहां भी आता है, प्रोबेबिलिटी मतलब एक संभावना से होता है, उसके आधार पे हम कैसे डिसीजन बनाते हैं, ये दूसरी टेक्निक है प्रोबेबिलिटी डिसीजन मेकिंग। चलिए आपको पहले एक जनरल एग्जाम्पल देता हूं, फिर आप आ जाना एक क्या कहते हैं उस पर अपना ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल पे, बिजनेस के एग्जाम्पल पे। पहले एक जनरल सी बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट मैच की। बेसिकली अगर मेरे हिसाब से लड़का लड़की जो भी इस लेक्चर को देख रहा है, तो लड़कियों के लिए शायद क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो, तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। पहले जितनों का इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ये एग्जांपल बेस्ट है। क्रिकेट है, उसमें हम देख रहे हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कोई मैच चल रहा है या चलने वाला है कल या परसों। ठीक, अब जो आपने सुना होगा शायद क्रिकेट में टीम मैनेजर होता है जो मैनेज करवाता है, वो डिसीजन लेता है टीम के रिगार्डिंग, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड कैप्टन ले लेते हैं, लाइक इस टाइप की चीजें होती है। ठीक है, हमारे प्रिडिक्ट करा कि भैया ये जो मैच चलने वाला है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो वो पिच है वो स्पिन को बहुत सपोर्ट करती है, प्रिडिक्ट करा हमने ऐसा।
अब इसमें एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है भाई, कहीं से कहीं तक मैंने पहले ही क्लियर करा था आज का लेक्चर स्टार्ट करते हुए, हम लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं 100% सही हो ये बात सही नहीं होती, कोई गलत भी हो सकता है, और कई बार ऐसा भी होता है 100% सही बैठ जाए, कई बार 100% गलत बैठ जाए, कई बार ठीक ठाक बैठ जाए, तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज है। हमें लगा कि स्पिन की पिच है तो हमने दो एक्स्ट्रा स्पिनर खिला लिए, चलो अच्छा होगा हमारे साथ। जब पिच पे उतरे पता चला ऐसा कुछ था ही नहीं, हमें लगा हमने प्रीवियस डाटा निकाला था कि इस ग्राउंड पे प्रीवियस डाटा में स्पिनर ने ज़्यादा विकेट ली थी, लेकिन अब जब हमने खिलवाया अपने बैट्समैन को प्लेयरों को खिलवाया तो स्पिन से कुछ हासिल ही नहीं हुआ हमें। एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये भी समझ में आ रहा है कि हमने प्रीवियस डाटा निकाला इस पिच का, देन हमने ये रिजल्ट बनाया, हम कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं आउटकम को, क्या करा हमने प्रिडिक्ट करा कि स्पिन खिलाएंगे तो ज़्यादा विकेट्स मिल सकती हैं हमें, हमने आउटकम को क्या करा प्रिडिक्ट करा। अब ऐसे ही ये था इस टाइप के प्रोबेबिलिटी डिसीजन, ये प्रोबेबिलिटी थी कि हम ऐसा कर सकते हैं और हमने प्रीवियस डाटा वाटा देखा ये सब चीजें। ये जो डिस्कशन होता है इस टाइप की चीज को किस टेक्निक के अंदर रखा गया है, प्रोबेबिलिटी डिसीजन मेकिंग, प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी या मेकिंग भी बोल सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल जिनका क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है उनके हिसाब से देख लेते हैं। मैं ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं, ठीक, मेरे पास प्रीवियस डाटा पड़ा हुआ है, मैंने ये देखा कि यार जनवरी के टाइम पे फरवरी के टाइम पे बच्चे नए सीएमए में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक, प्रिडिक्ट करा, प्रीवियस डाटा निकाला कि इतने बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक, तो उसके हिसाब से मेरे पास इतने बच्चों का बैच होना चाहिए, उसके लिए मैंने बहुत सारी प्लानिंग करी, एडवर्टाइजिंग करी और भी बहुत सारी प्रमोशन करा, जो भी है कुछ स्टेप्स लिए, मैंने आउटकम प्रिडिक्ट करा कि मेरे पास इस साल 50 बच्चों का बैच बन जाएगा, प्रिडिक्ट करा, बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कि लास्ट ईयर भी हमारे पास अगर 1500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था लास्ट ईयर इतने बच्चों ने, तो एक डाटा प्रिडिक्ट करा, 100% रिजल्ट आएगा, मे बी इस साल 20 बच्चों का बैच बने, मे बी इस बार 70 बच्चों का बैच बने, तो आउटकम की गारंटी नहीं है, हम आउटकम को प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी बेस पे, किसी डाटा पे, किसी प्रोबेबिलिटी पे कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, क्रिकेट मैच का एग्जांपल था जो लास्ट ईयर ये हुआ था इस पिच पे, लास्ट ईयर सेशन में ये हुआ था हमारे सीएमए फाउंडेशन में, तो इस टाइप में एक मैनेजर ये चलाता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब आपको क्लियर है, संभावनाओं से है। दिस टेक्निक लाइज इन द प्रीमिस दैट वी कैन ओनली प्रिडिक्ट, ये लाइन बोल्ड हो रखी है, ओनली प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम, रिजल्ट की हम एक प्रोबेबिलिटी को गेस करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि स्पिन पिच अच्छी है, सीएमए में इतने बच्चे हो सकते हैं, प्रिडिक्ट कर रहा हूं सिर्फ। In other words, we cannot always accurate. ये बात मैंने तीन बार बताई है कि हमने दो स्पिनर खिला लिए लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, मैंने बहुत प्रमोशन कर दी लेकिन बैच नहीं अच्छा बना, एक्यूरेसी नहीं है। We cannot always accurate predict. नहीं कर सकता मैं accurate predict the exact outcome of an course of action. कि क्या एक्शन होगा जो मैंने स्टेप लिया है उसका। Managers use this approach to first determine the probabilities of an outcome using available information. अवेलेबल इंफॉर्मेशन, अवेलेबल डाटा से वो ऑब्जर्व करता है कि स्पिन के लिए पिच थी तो उसने डाटा देखा प्रीवियस निकाल का उस ग्राउंड पे जो जो मैच हुए, मैंने सीएमए के लास्ट तीन सेशन के डाटा निकाल के देखे, देन हमने कुछ सोचा। दे कैन इवन रेयर ऑन देयर सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ दिस पर्पस, सब्जेक्टिव जजमेंट दे रहा है वो कि हाँ ऐसा हो सकता है सही हो गलत हो वो तो बाद में ही पता चलेगा। नेक्स्ट दे यूज दिस डाटा टू ऑफ probabilities to make their decision, वो previous data को use कर रहा है अपने decision में काम लेने के लिए, क्योंकि किसी भी business किसी भी चीज में decision बहुत बड़ा role होता है यार, मैं बार बार बता चुका हूँ। मैं और एक छोटा सा example देते हैं, अगर आप decision को और deep में समझ चुके हो पहले दो lecture में, after 12th मैं 12वीं को भी पढ़ाता हूँ बेसिकली, तो आफ्टर 12 बच्चे पूछते हैं मेरे से कई बार कि सर क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लाइक दिस ये सब इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। मैं उनको एक बहुत सिंपल सा फैक्ट बोलता हूँ कि भाई डिसीजन खुद लो, क्योंकि मैंने आज कुछ बोल दिया को मैंने बोल दिया जा सीए कर ले, अब उससे हुई नहीं तो बोलेगा सर ने फंसवा दिया यार बेमतलब में, तो भाई डिसीजन लाइफ के खुद लेने हैं। अगर हम जनरल बात भी करें आपको खुद ऑब्जर्वेशन करनी है कि क्या सही है मेरे लिए क्या गलत है, ठीक, कोई भी डिसीजन हो आपको खुद लेना है। दे ऑफन यूज डिसीजन ट्री और पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर दिस पर्पस, एक डिसीजन का बहुत बड़ा जो प्रोबेबिलिटीज के अंदर बहुत सारे डाटा लास्ट निकाल निकाल के एक ट्री बन गया पूरा डिसीजन का, उसमें से उसको सोचना है क्या सही है क्या गलत है, मैट्रिक्स ऑफ दिस पर्पस। तो ये दूसरा टेक्निक था प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी, जिसकी पिंच लाइन ये है कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं डिसीजन को ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एंड आउटकम नॉट एक्यूरेट हो सकता है फ्यूचर में, ठीक। चलिए जी अब थर्ड देखते हैं, देखिए जी तीसरी टेक्निक है गेम थ्योरी,
ठीक है, तीसरी टेक्निक है गेम थ्योरी। ये बहुत फनी है वैसे तो, आप ध्यान से समझिएगा। गेम क्या होता है, जैसे आप लोगों को अगर मैं बेसिक वे में बताऊं तो आज की डेट में हर इंसान एक दूसरे के साथ गेम खेल रहा होता है, ठीक। बहुत दिनों पहले मेरे से किसी ने बोला था ऐसे ही कि सर आप ईमानदारी से बता दो कि आपने जो आपके अदर बिजनेस भी हैं तो आपने क्या पूरी ईमानदारी से ही पैसा कमाया है, हमेशा कोई गेम नहीं करा? लिटरली ये लाइन थी बच्चे की सामने से, क्या आपने कभी कोई गेम नहीं खेला, गेम खेल के पैसा नहीं कमाया जो आप बोल रहे हो? तो मैंने उसको बोला कि हाँ भाई ये फैक्ट है, मैंने भी गेम खेले हैं, मैंने भी मैनिपुलेट करके पैसे भी कमाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दूध में धुला हुआ हूँ। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि बिजनेस के अंदर ये कैसे काम करता है, कि भाई पूरी ईमानदारी से पैसा कमाया है, मैं दूध में धुला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ गेम खेले हैं, लेकिन मैंने साथ में उसको एक ऐसी लाइन बोली थी, ये मैंने अपनी इंसानियत के नाते बोला था, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि कभी भी, सिंपल सा नियम बता रहा हूँ जो मेरा है, बाकी कोई इसको जो भी समझे, कि कभी भी वो हर काम कर लो जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता हो। कि मैं हमेशा ऐसे रिस्क लेना पसंद करता हूँ जो मेरे को, हो सकता है मेरे को हार्म करे, मेरे को दिक्कत हो, पर एक सिंगल रिस्क भी ऐसा नहीं लेता जो सामने वाले को इम्पैक्ट करे, ठीक। अब इसको धोखा बोलो, कुछ भी बोलो, मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ जो मेरे को इम्पैक्ट करता हूँ, सामने वाले को ना। तो कुछ गेम्स खेले जाते हैं बिजनेस के अंदर, और ऑब्वियस सी बात है ये गेम क्या होता है, अपने प्रॉफिट के लिए होता है। तो मैनेजर्स कई बार क्या करते हैं, मान लीजिए मैं ही मैनेजर हूँ या आप ही मैनेजर हैं, तो हम एक गेम खेलते हैं अपने राइवल के साथ, सामने वाले के साथ, ठीक है। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, सामने वाले से हमें जीतना है, हर बिजनेस में कॉम्पिटिशन है, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एक फेक मार्केट बोलते हैं इसको बेसिकली, एक फेक रूमर्स फैला देते हैं मार्केट के अंदर, या एक फेक मार्केट जनरेट कर देते हैं कि सामने वाला लगता है भाई यार ये क्या कर रहा है, और है वो कुछ भी नहीं रहा ऐसा, सिर्फ ये है कि माउथ टू माउथ इस इंफॉर्मेशन को फ्लैश कर दिया जाता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा नियम बता रहा हूं कि टाटा ने एक गाड़ी लॉन्च करनी है, ठीक है, हालांकि उसने ये न्यूज मार्केट में डाल दी कि मैं एक गाड़ी लॉन्च करने वाला हूं सिर्फ 2 लाख रुपए में, उसके फीचर्स जो हैं वो ऐसे डिक्लेयर करवा दिए उन्होंने जो 10 लाख वाली गाड़ी में होते हैं, ठीक। मार्केट में आग लग गई तुरंत कि भाई ये क्या हो गया भाई, अभी हालांकि उसने सिर्फ न्यूज फैलाई है, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, वो गेम है, अपने राइवल्स को क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, राइवल्स टेंशन में, बाकी कंपनियां अबे भाई 2 लाख रुपए में इतने फीचर्स वाली गाड़ी कैसे पॉसिबल हो गई भाई, कैसे डिजाइन हो गया, ये क्या है? अब क्या होगा, वो बेचारा टेंशन में, ठीक, वो अपने अदर राइवल्स जो अपनी मेन एक्टिविटीज को छोड़कर इस टेंशन में डल चुका है, वो फुल उसको कॉन्फ्लिक्ट करवा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, हो सकता है वो डर गया, अब वो एक्सपेंडिचर चालू करेगा अपनी मार्केटिंग, वो कहेगा भाई हमारा ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग कर रहा है वो अपनी, कुछ कर रहा है, लगा पड़ा है, परेशान कर दिया उसको, और हम क्या कर रहे हैं, अपने आराम से बैठे हुए हैं, उसके कस्टमर हमने होल्ड पे डाल दिए, हमने उसके कस्टमर क्या कर दिए, होल्ड पे डाल दिए, जो भी उस गाड़ी खरीदने वाले लोग थे, हो सकता है वो उसके ब्रांड को खरीद लेते, अब वो वेटिंग पर आ गए कि अरे वेट कर ले भाई, 2 महीने बाद टाटा निकाल रही है 2 लाख में गाड़ी, वेट कर ले, बेचारा परेशान, ये कौन सा गेम चल गया भाई। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको समझिए कि ऐसे चीजें बहुत होती है मार्केट में, गेम बना दिया जाता है सिर्फ, ये एक डिसीजन लेने का तरीका है। अब हमने इस काम से 2 महीने के लिए गाड़ियों की सेल्स मार्केट में रोक दी, सामने वाले पार्टी नहीं खरीदेगी उससे गाड़ी, हम इतने अपने मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे देंगे, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयज जो थे कम थे, तो देर हो रही थी, तो चलो भाई चलो अब प्रोडक्शन करो आराम से, 2 महीने तक मार्केट में कोई नहीं गाड़ी बिकने वाली, ये रूमर फैल चुका है मार्केट में कि हमारी गाड़ी 2 लाख में आ रही, बाकी हमने तो कोई मतलब वैसा नहीं करा, अनाउंस नहीं करा, ये तो फैला दिया, बस गेम है। Sometimes managers use certain quantitative techniques only while taking decision pertaining to other business rivals. समझ में आ चुका है आपको मीनिंग, और मैंने जो एग्जाम्पल दिया। The game theory approach is one such techniques. This technique basically cementates rivalries or conflicts between business as a game. जो अभी मैंने गेम बना दिया है पूरा का पूरा। The aim of managers under this technique is to find way of gaining at the expense of their rivals. Expense बढ़वा दिया, बेचारा लगा पड़ा है अपनी काम में, क्या हो गया भाई, advertising information निकालने में पैसा कर रहा है spend. In order to do this, they can use 2-person, 3-person or number of games. 2 person से फैलाया, 3 person से, इस time में use करके वो इसको फैला देता है। तो ये था गेम थ्योरी, ये इसका एक एग्जांपल था, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
तीन पढ़ चुके हैं, टोटल में पांच हैं। अब हम चौथा वाला टेक्निक को देखेंगे जो क्वांटिटेटिव टेक्निक का चौथा पार्ट है। देखिए जी, फोर्थ है, ध्यान से समझिएगा, क्यूइंग थ्योरी। कुछ नहीं है इसमें, वेटिंग पीरियड कुछ नहीं है इसमें, क्या है सिर्फ वेटिंग पीरियड टेक्निक। आप इतना ध्यान रख लीजिए, इसकी एक्सप्लेनेशन जो बोर्ड पे लिखी है आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। कई बार मैनेजर को क्यूइंग थ्योरी का मतलब वेट करना पड़ता है पीरियड के लिए, कुछ पीरियड के लिए और डिसीजन ले रहा है, ये एक टेक्निक है वेटिंग पीरियड टेक्निक कि आपको वेट करना है। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या माना, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट बनाती है और इस टाइम पे मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, जितने प्रोडक्ट बना रही है उसका 50% ही सेल आउट होता है, तो भैया उसके पास अनसोल्ड स्टॉक बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। तो अब मैनेजर को डिसीजन लेना है, क्यूइंग डिसीजन लेना है, वेटिंग करो, रुक जाओ, प्रोडक्शन रोक दो क्योंकि माल नहीं बिक रहा उतनी क्वांटिटी में, अनसोल्ड स्टॉक बढ़ता जा रहा है, इतना स्पेस भी नहीं है, कहां रखेंगे, उसने अपनी प्रोडक्शन यूनिट स्टॉप करवा दी। तो इस टाइप का जो डिसीजन लिया जाता है उसे क्यूइंग थ्योरी बोलते हैं, वेटिंग पीरियड के लिए वेट करो। अब इससे वो बच गया वेस्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेज, अगर प्रोडक्टिविटी चालू रखता रहता, माल उतना बिक नहीं रहा तो उसकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो रही होती, उसके रिसोर्स वेस्ट हो रहे होते, उसके पास माल रखने के लिए स्पेस नहीं होता, उस पर भी एक्सपेंस करता, अलग से वेयर हाउस परचेज करता, तो ये सारी चीजों में दिक्कत आ जाती। तो ये एक स्मार्ट डिसीजन जो मैनेजर ने लिया, क्या बोल रहे हैं इसे हम, क्यूइंग डिसीजन या क्यूइंग थ्योरी, वेटिंग पीरियड करो, जब माल नहीं बिक रहा, डिमांड नहीं है मार्केट में, वेट करने का डिसीजन लिया, इसको बोलते हैं। बस सिंपल भाषा में बात हो गई है, खत्म। एवरी बिजनेस, ध्यान से समझिएगा, एवरी बिजनेस ऑफन सफर्स वेटिंग फॉर पीरियड्स टू पर्सनल इक्विपमेंट रिसोर्स और सर्विस, आपको वेट करना पड़ेगा, वेटिंग फॉर पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल, समटाइम्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइट गैदर अ स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, इकट्ठा होता जा रहा है, गैदर अ स्टॉक, इकट्ठा होता जा रहा है अनसोल्ड गुड्स ड्यू टू इनरेगुलर डिमांड, क्योंकि वो माल अभी ज्यादा डिमांड में नहीं आ रहा है। This theory basically aims to solve such problem. इस problem को solve करने के लिए ये theory बनाई गई। The aim of this theory is to minimize such waiting periods. Minimize कर लो and also reduce investment on such expenses. आप reduce कर लो अपनी investments को, क्योंकि दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। Clear? तो ये fourth point था, बहुत ही simple मेरे हिसाब से, जो एक manager decision ले रहा है। अब आते हैं fifth पे, जो पांचवी टेक्निक हमारी चल रही है, कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बता रहे हैं, हम चार कर चुके हैं, अब देखते हैं सेमिनेशंस टेक्निक। इसमें क्या होता है कि हम ना 5-7 अपने ऑब्जर्वेशन रखते हैं सामने, ठीक है, जो भी पास्ट में घटे हों, टेक्निक्स ऑब्जर्व वेरियस आउटकम्स, कि ये स्टेप से ये आउटकम होगा, ये स्टेप से ये आउटकम होगा, ये स्टेप से ये आउटकम होगा, हमारे पास चार ऑप्शन आ गए, आप चार पे ही ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आपके पास चार ही ऑप्शन आते हैं पेपर में भी, तो वैसे ही एक याद रखने का तरीका, चार ऑप्शंस हैं, चार डिसीजन है, चार तरीके हैं एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैनेजर के सामने, चारों के रिजल्ट्स उसने देखे अपने सामने, बोर्ड पे लिखा हुआ है टेक्निक्स ऑब्जर्व वेरियस आउटकम्स अंडर हाइपोथिकल सेटिंग्स या एग्जाम्पल, चारों के रिजल्ट्स देखे, देन मैनेजर सोचता है कि कौन सा वाला बेस्ट है, ठीक है, यानी कि किसी चार प्रोजेक्ट में से उसे एक सेलेक्ट करने का विचार आता है, एक को वो फाइनलाइज करता है, ठीक। मैनेजर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ देयर डिसीजन विल वर्क, कि कैसे वर्क करेगा, अगर उसने ये वाला स्टेप लिया तो कैसे वर्क करेगा वो भविष्य में, क्या रिजल्ट देगा, अंडर डाइवर्स सर्कमस्टांसेस। क्लियर? बहुत सिंपल वे है चार प्रोजेक्ट में से एक सेलेक्ट करना, बेस्ट वाले को जो उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, डिसीजन लेने का काम इतना आसान नहीं होता, चाहे लाइफ हो या बिजनेस हो या एक्स वाई जेड कोई भी हो, एक गलत डिसीजन पूरी बिजनेस को खराब कर सकता है, एक गलत डिसीजन पूरी लाइफ को खराब कर सकता है, तो इसीलिए बहुत सोच समझ के एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करता है। अकॉर्डिंगली दे फाइनलाइज ऑन द डिसीजन That is likely to be most beneficial to them, जो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा हमें क्या देगा, बेनिफिट देगा, वो सिलेक्ट कर लेगा। तो ये फिफ्थ टाइप था। चलिए जी, सिक्स्थ और लास्ट करते हैं, देन ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। देखिए जी, लास्ट टेक्निक है जो बोर्ड पे लिखी हुई है, नेटवर्क टेक्निक्स। नेटवर्क का मतलब तो आप शायद समझते ही होंगे कि ये ग्रुप ऑफ पीपल जनरेट करना, नेटवर्क बनाना इस टाइप में। तो कई बार क्या होता है कि मैनेजर अकेले, यार एक अकेले बंदे का दिमाग और 3-4 लोग मिलके या 10 लोग मिलके जो ग्रुप ऑफ नेटवर्क बन के जो सबके ओपिनियन से जो डिसीजन लिया जा रहा है वो ज्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि हो सकता है कि अकेला बंदा गलत भी हो सकता है,
कि 10 लोगों का दिमाग चले तो वो इवैल्यूएशन कर सकता है कि यार इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है, वो अपने आइडियाज़ दे सकता है। तो यहाँ पर गलती के चांस, वेस्टेज के चांस कम होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अब ध्यान से समझिएगा नेटवर्क टेक्निक्स। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज ऑफन रिक्वायर, कॉम्प्लेक्स मतलब कि जब कोई टफ डिसीजन लेना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तो हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज ऑफन रिक्वायर कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स बाय पर्सनल इन ऑर्डर टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम एनर्जी एंड मनी। को अवॉइड करने के लिए इनकी वेस्टेज को आपको जरूरी है। बहुत टफ डिसीजंस भी होते हैं कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है। दिस टेक्निक एम्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। यही मैंने बोला था कि ऐसे टफ डिसीजन के लिए हम कोशिश करते हैं क्रिएट करके एक अच्छा सा नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर वर्क, कि सब मिलके अपना दिमाग दे और हम चलाएं इसको सही से, ऑपरेट करें इस ऑर्गेनाइजेशन को। देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव टेक्निक अंडर दिस अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर दो बातों पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब तक का मीनिंग आपको समझ में आ चुका है, अकेला बंदा गलत हो सकता है लेकिन 10 लोग मिलकर कर रहे हैं तो गलत होने के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं। देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स अंडर दिस अप्रोच। दिस इंक्लूड क्रिटिकल पाथ मैथड, CPM, क्रिटिकल पाथ मैथड जब टफ मैथड्स होते हैं तो इसके अंदर ही एंड द प्रोग्राम इवेल्युएशन करना, उसको चेक करना क्या होगा इससे, एंड रिव्यू टेक्निक PERT बोलते हैं इसे, कि प्रोग्राम को इवेल्युएशन करना, उसको दोबारा रिव्यू करना, बाकी लोग रिव्यू कर रहे हैं भाई क्या होगा इससे, गलत होने के चांस कितने हैं, ये बात समझना। ये मेथड तभी अप्लाई होता है जब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, क्रिटिकल पाथ होता है यानी कि टफ होता है कोई डिसीजन, छोटा मोटा नहीं होता। नए ब्रांच खोलना है कहीं पे, 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, मैनेजर अकेले डरेगा, वो भी नर्वस होगा यार गलत हो गया तो 500 करोड़ डूब गए, पिछले 10 साल में जो प्रॉफिट कमाया सब गया। तो यार ऐसे क्रिटिकल पाथ, ऐसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जनरेट करके ही ये डिसीजन एक मैनेजर लेगा। दिस टेक्निक्स आर इफेक्टिव बिकॉज दे सेग्रेटेड वर्क एफिशिएंटली अंडर नेटवर्क्स। हम सब एक नेटवर्क के अंदर वर्क कर रहे हैं, 20 लोग मिलकर चला रहे हैं एक डिसीजन को, तो अच्छा है। दे इवन रिड्यूस टाइम एंड मनी, क्योंकि एक बंदा बहुत सोचेगा 20 लोग सोचेंगे तो जल्दी काम होगा, पैसा बचेगा। तो ये है, देखिए हमने आज अपना थर्ड लेक्चर में यही करना है। आज हमें फिलहाल आपको, मैं हर बार बताता हूं कि आपको नोट्स फॉलो करने हैं जो आपको PDF प्रोवाइड कराई गई है। आपको कोई भी डाउट होता है या PDF आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर ले सकते हैं 9910645699। आई अगेन रिपीट 9910645699 पे डाउट्स भी ले सकते हैं एनी टाइम, और इस पे PDF भी ले सकते हैं आप अगर अवेलेबल ना हो तो। चलिए नेक्स्ट में मिलेंगे इसके फाइनल फोर्थ लेक्चर के साथ, देन आपका ये पूरा मॉड्यूल शट डाउन हो जाएगा। चलिए गुड लक, आज के लिए इतना ही।